वहीं विधानसभा चुनाव के लिए टिकट घोषित होने पर उम्मीदवारों ने खुशी जाहिर की और चुनाव में जीत का दावा किया। दूसरे इस बार पुराना भोपाल से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं पर पुनः विश्वास व्यक्त किया है। मुझे पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हम सभी कार्यकर्ता पुराने भोपाल की जनता के साथ में ये चुनाव को लड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हम और हमारे कार्यकर्ता, हम डेली काम करते थे तो तैयारी तो हमारी पूरी है, अब प्लान करने की बात है। चूंकि पार्टी ने काम सौंप दिया है तो हम सब मिलकर इसको प्लान करेंगे। हमारे पास इनफ टाइम है तो हम इसको अच्छे से प्लान करके इसको अंजाम देंगे। 2018 में कांग्रेस सर इस सीट से जीती थी चुनाव। हाँ, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसी को तो सुधारना है इस बार। जैसा कि चुनाव समिति के हमारे पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी ने और पूरी टीम ने मुझ पर जो भरोसा किया है, छतरपुर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और मैं आश्वासन देना चाहूँगी, आपने जो विश्वास किया है, मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं खरी उतरूँगी और छतरपुर से मैं एक सेवक के रूप में छतरपुर विधानसभा का चुनाव जीत करके आऊँगी। छतरपुर की विधानसभा के हमारे मतदाता भाइयों पर, हमारे देवतुल्य हमारे कार्यकर्ताओं पर हमें पूरा भरोसा है। हर बार चुनाव में कांग्रेस ने एक वातावरण बनाया कि सरकार जा रही है, लेकिन 18 साल से जनता शिवराज जी पर भरोसा कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी श्रद्धा का नाम है। पार्टी ने जब जब जो जो जवाबदारी दिया है उसका निर्वहन मैंने समय समय पे किया है। अब कुछ होता है, ऐसा रहता है कि समय जब बहुत संघर्ष का हो जाता है और कुछ नहीं मिलता है तो फिर एक दिशा बदल गई थी, लेकिन फिर कहा जाता है, कहावत है कि जो रात का भूला हुआ है अगर सुबह वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं। मतलब सीधे तौर पे भी आपकी घर वापसी हुई है? जी, घर वापसी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, हम यहाँ के सभी हजारों हजार कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके और यहाँ के वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से, यहाँ के नौजवानों के परिश्रम से और जो है यहाँ की माता बहनों के आशीर्वाद से इस कसरावत में कमल खिलाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 21 सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। यहां 21 उम्मीदवारों में से 5 महिला उम्मीदवार हैं। पाटन में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे और दुर्ग के बीजेपी सांसद विजय बघेल चुनावी समर में ताल ठोकेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि हम पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे ताकि हमारे प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जा सके, चुनाव प्रचार के लिए उनको पर्याप्त समय मिल सके। और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने आज 21 प्रत्याशियों की घोषणा छत्तीसगढ़ के लिए की है। देखिए, मापदंड ये है आज क्या स्थिति है, जीत की क्या संभावना है, सर्वे में क्या क्या स्थिति आ रही है, ये सब बात को केंद्रीय नेतृत्व बारीकी से देखता है, अध्ययन करता है और उसके बाद सूची जारी करता है। पाटन बघेल, भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुका है और एक बार फिर हराएगा। निश्चित रूप से विजय की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रहेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों की घोषणा की है। 21 सीटों में 9 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व हैं और 10 रिजर्व प्रत्याशियों को 9 सीटों में टिकट दी है। 10 सीटों में टिकट, 10 प्रत्याशी बनाए हैं। एक सामान्य सीट से भी आदिवासी समाज को टिकट दी है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अनुसूचित जनजाति जाति सबके हितों की, पिछड़ा वर्ग सबके हितों की रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने अगुवाई ले ली है और ये अगुवाई आने वाले नवंबर के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। क्योंकि भूपेश बघेल हिंदुस्तान का ऐसा नेता है, भारतीय जनता पार्टी उसका नाम से दर्द करती है, इसका कारण वह विजय बघेल को दिया है।
भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 1.5 महीना पहले टिकट घोषणा कर दिया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का टेस्ट तो नहीं कर रहा है, पहले मैदान में उतार के देखो, ये गड़बड़ है तो फिर वापस ले लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे लगता है 1.5 महीने के अंदर ये टिकट फिर भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना पड़ रहा है, इसलिए वो टेस्टिंग के रूप में काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी सब जगह भय से, लालच से तोड़ना चाहती है, लेकिन जनता जान चुकी है उसकी असलियत। सौभाग्य से मुझे यहाँ के झूठ फरेब की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार में डूबे हुए यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ आज पार्टी ने मुझे कमल छाप सौंपा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी नेतृत्व को, हम सब अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत और पाटन क्षेत्र की जनता की बदौलत उनको पटकनी देंगे और उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, हम वहां से विजय से। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों के आशीर्वाद हैं और सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और सब एक होकर जो काम किए हैं, और तभी हमको आज टिकट मिला है, कोई मेरे अकेले से नहीं मिला है। जो कांग्रेस की नाकामी है, जो 4 साल में कोई काम नहीं किए हैं, उनको हर जनता के पास जाके, हर गांव में जाके हम बताएंगे। और जितने भी प्रत्याशियों को भी टिकट घोषित किया गया है, वो सभी उम्मीदवार मैं समझता हूं कि जीतने वाले हैं, निश्चित ही जीत के आएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने जो हम सब कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया, विश्वास किया, इसके लिए केंद्र नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हम अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मैंने अब 3 बार के जिला पंचायत सदस्य होने के नाते अब मैंने भी इच्छा रखा था भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष के बीच में, और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, मतलब वरिष्ठ हमारे नेताओं के बीच में मैं भी अपनी बात रखी थी। मैं भी इच्छा रखता हूँ बस्तर विधानसभा चुनाव लड़ूंगा करके, तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो मेरे ऊपर भरोसा किया है। देखिए, राज्य विधानसभा चुनाव में मैं तो कहूंगा पूरे क्षेत्र की जनता जान चुके हैं। हर बार बाहर से जो चुनाव लड़ते थे, बहुत पैसे वाले पार्टी है, सुनता हूं उसके साथ मैं और चुनाव लड़ चुका हूं, मेरे लिए कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मोदी है तो मुमकिन है, राजीव विधानसभा सीट जरूर जीतेंगे, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, आप सबकी सहयोग। कोई गले फांस डालने वाला बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को अवसर देती है जी। कांग्रेस के सरकार ने वादा करके वादा खिलाफी जो काम किया है, उस तरह से वादा खिलाफी हमारा काम नहीं होगा। जो हम बेहतर कर सकते हैं वो हमारा कार्य योजना बनेगा, उस कार्य योजना के तहत हम जाकर के लोगों से बात करेंगे। किस प्रकार से मात देंगे ये तो रणनीतिक हिस्सा है, लेकिन इस जो कांग्रेस सरकार की जो विफलताएं इन 5 वर्षों में दिखी है, और लगातार वहाँ डुंडरा विधानसभा में 3 बार से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, और जनता